हमारे पास समय, लेकिन मैं आप लोग से दो चार सवाल करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब ये क्लास पे आ चुका है, तो सबसे पहले इस क्लास में इंजीनियर कितना आदमी है? हाथ इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, पायलट नहीं, और अब इससे जो कि लेबर कितना आदमी? सब आदमी। जोरदार ताली हो जाए। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जो कि पायलट का काम कर सकते हैं आप, डॉक्टर का काम कर सकते हैं, इंजीनियर का काम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर रिएक्शन कर सकते हैं। yes. पायलट रिएक्शन कर सकते हैं, अगर yes, yes. तो आप ध्यान दीजिए, yes. पायलट कर सकते हैं ना रिएक्शन, yes. yes. और लेबर ये भी कर सकते हैं। तो हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी पायलट नहीं बन सकता, और हर आदमी रिएक्शन कर सकता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत आदमी सोचते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए रिएक्शन में, और बड़ा जो कि बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन में कुछ नहीं चाहिए, बस दिल का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और ज्यादा जो कि यहाँ पे पढ़ा लिखा का जरूरत नहीं, जब आप ज्वाइन किए कंपनी में तो सबसे पहले काम क्या हुआ आपका? सबसे पहले आपका हेल्थ टेस्ट, ठीक है ना, मेडिकल जिसको बोलते हैं, किया ना? yes, क्योंकि मतलब आप फिट होना चाहिए। आपको एक हाथ नहीं है तो आपको कंपनी में लेगा क्या, कतार में लेगा क्या? नहीं। आपका जो कि कुछ प्रॉब्लम है तो कंपनी में लेगा? नहीं। आप जो कि एक आंख नहीं है तो आपको लेगा? नहीं। आपको जुबान नहीं है तो कंपनी में काम में लेगा? नहीं। आप बहरे हैं तो आपका कंपनी में काम लेगा? और मैं कहूंगा एक गूंगा आदमी रिएक्शन कर सकता है। yes. yes. और मैं करके दिखाऊंगा कि एक गूंगा आदमी कैसे रिएक्शन कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोलना नहीं आता है, और यहाँ पे आप लोग हैं जो कि मेरा रूममेट है, मेरा दोस्त है, या तो मेरा गांव वाला हो, आप कोई भी अगर यहाँ साथ में रहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा मतलब इसको इशारा में मैं यही बोल रहा था कि ये लगाने से बहुत अच्छा होता है, और इशारा में बहुत कुछ बोल सकते हैं। अगर इन्होंने ये चीज ले लिया तो क्या होगा? टूथपेस्ट पे 6 पॉइंट है ना, कितना आदमी को पता है? तो 6 पॉइंट होगा, अगर 6-6 पॉइंट जमा हो गया तो क्या होगा? सर प्लीज मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। 6-6 पॉइंट जमा होगा तो क्या होगा? 60 होगा, 70 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा। गुड मॉर्निंग जैक्सन, आप लोग इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आप लोग को बहुत काम आएगा। यस सर। अगर एक चीज आप लोग सोचते हैं कि ये टूथपेस्ट, अगर पीवी कहते हैं ना, पीवी, यस सर, तो इसमें कितना 6 पीवी है ना, यस, तो कहते हैं करी से करी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है। यस सर। मेहनत से मेहनत जोड़ो तो तकदीर बन जाती है। पीवी से पीवी जोड़ो तो स्टार बनता है, स्टार रूबी बनता है, डायमंड बनता है, क्राउन एमिस्टर क्या से बनता है? पीवी से। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? पीवी से पीवी जोड़ना चाहिए। तो एक गूंगा आदमी भी पीवी जोड़ सकता है। यस। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो क्लास में 40 कुर्सी है, 20 कुर्सी है, ये क्लास को मैं सबसे बड़ा ऊपर यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहता हूँ, कि आप लोग 10 क्लास तक कितना अभी पढ़े हैं, हाथ उठाएंगे? तो 10 क्लास आप पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप लेबर में काम कर रहे हैं, और 10 क्लास पढ़ने के लिए कितना साल होता है? 10 साल तो कम से कम चाहिए। yes, 10 साल में आपको 0/0 जो कि उसका मान कुछ नहीं हुआ, ठीक है? और मुझे कितना आदमी जानते हैं रिएक्शन में? बहुत आदमी ना। मैं 2 साल से रिएक्शन कर रहा हूँ, ओनली 2 साल, और 2 साल से यही क्लास है,
ऑफिस वहाँ का दौर में कितना है? तीन है ना, अभी तीन हो गया है। और इधर दो हॉल है, द्वारा में दो हॉल है, चार हॉल है, आई एम राइट? और ये चार मैं अभी हलखोर में इसी उधर हॉल भी नहीं, चार हॉल में से जो कि आदमी निकलता है जो कि 10 साल जो नहीं कर पाया, 15 साल में जो नहीं कर पाया, वो आदमी जो ये चार हॉल में से, ये छोटा क्लास में से सीख के, पढ़ाई तो बहुत होता है, इसको कहते हैं सीसी, मतलब कोर्स चेंजिंग कोर्स। हमने भी बहुत दूसरा कोर्स किए थे, जैसे कि मैं पहले बताया था कि पायलट भी इसमें है, डिएक्शन में पायलट भी डिएक्शन करते हैं और डॉक्टर भी करते हैं। और डॉक्टर जब इसमें आ जाते हैं तो वो काम क्या करते हैं, वो डिएक्शन से अपना डिग्री को चेंज कर लेता है। यस सर, आई एम राइट? और डिएक्शन में कोई डिग्री तो नहीं होता, लेकिन उसका डिग्री जीरो बता जीरो हो जाता है ना। जब मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर 5,000 रियाल कमा रहा है और डिएक्शन से 10,000 मिल रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि हमें डिएक्शन का डिग्री बहुत ही काम में आया। यस, और वो मिला कहाँ से? एक क्लास के वजह से। तो आप लोग इस क्लास में बैठने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत आदमी को दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग जिस तरह से इस क्लास में बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, इस तरह से नहीं होगा, पास नहीं होंगे। एक चीज मैं कहता हूँ, पढ़ाई में मुझे खुद मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मुझे खुद मन नहीं लगता था, और पिताजी तो बोलते थे कि पढ़ने के लिए, लेकिन हम नहीं पढ़ते थे। अभी आप लोग का जो अपलाइन है, ठीक है ना, आप लोग का अपलाइन है जो कि आप लोग का जो अपलाइन है वो आपको जो कि पढ़ने के लिए कहते हैं, क्लास में आने के लिए कहते हैं, लेकिन आप मानते नहीं ना, आपको अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत कम आदमी आता है इस क्लास में, आई एम राइट? बार बार फोन करो तो कम आदमी आता है, और जो आता है वो एजुकेटिव डायमंड बनता है। और एजुकेटिव डायमंड बन के घूमने के लिए जाता है, और जो नहीं आता है वो काम करता है लेबर का, और 8 घंटा डेली बाय डेली करता है। और मैं कहता हूँ दोहा कतार एक जेल है, जेल है, जो कि इसको राउंड लगाएंगे ना तो 3 घंटा होता है। अगर जेल नहीं होता तो अभी चलिए हमारे साथ में नेपाल चलते, ये पूरा क्लास का आदमी को हम लेके चलेंगे। चलेंगे क्या आप लोग? नहीं जा सकते हैं। टिकट का दाम होता है 700-800 होता है, लेकिन आप टिकट कटा के भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप किसी के अंदर में हैं, आप एक जेल में हैं, और आपको बस रूम टू साइड, अलतिया टू दोहा, इसी आगे को कहीं पे जाते हैं क्या आप लोग? नहीं। इससे कोई और दूसरा साइड है क्या? जेल में भी होता है, खाना का जगह, काम करने का जगह, और सोने का जगह, और उन लोगों को भी घुमाते हैं जिस तरह हमें घुमाते हैं। और उसके साथ में गार्ड चलता है, हम लोग के साथ में गार्ड नहीं चलता है, बस एक प्रेशर चलता है, जो प्रेशर कल ड्यूटी जाना है। यस, अब राइट? यस। ये चीज मेरे साथ में भी था, आज से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैं भी 10 साल पहले 600 रियाल में आया था, और मैं जब आया उसी टाइम में मुझे आप लोग जैसे ही, आप लोग नए हैं ना अभी? Yes. बहुत आदमी नए हैं, मुझे डिएक्शन को बोल मुझे डिएक्शन समझा रहे थे कि आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। मैं बोला भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से नहीं होगा डिएक्शन, ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग ये बात समझ जाएंगे तो आप लोगों को डिएक्शन करना आसान हो जाएगा। Yes. मैं बोला भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से डिएक्शन नहीं होगा। और रात में मीटिंग करते थे, और मैं कहता हूँ आज खुद इस मंच से कि मैं सबसे ज्यादा निगेटिव आदमी था डिएक्शन के प्रति। और निगेटिव जैसे कि कोई आदमी आता था, मैं उसको कहता था कि डिएक्शन में जो कि आप लोग करो मैं नहीं कर सकता, आप लोग करो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। और मैं न जाने कितना आदमी को भगा दिया और ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जब वो मीटिंग करते थे उससे पहले मैं बोल रहा हूँ यार तुम अगर ज्यादा पैसा आता है तो तुम मेरे साथ में झाड़ू पोछा क्यों करो, लेबर का बड़ा बड़ा बात कर रहे हो लेकिन टाई कोट लगा रहे हो, छोड़ दो कंपनी को, तुमको ज्यादा पैसा आता है छोड़ दो, ऐसा बोलता है वाला आदमी मैं खुद था। लेकिन उन्होंने जो कि बोला ठीक है आप मत ज्वाइन हो, मेरा पेट पे क्यों लात मार रहे हो, मेरा 2 रियाल आता है, ये सामान मुझे फ्री में आता है, आप खा।